तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं फेस कैम से आपसे वीडियो बना रहा हूँ। फेस कैम करके कैसा लगे आप मुझे कमेंट में बताइए, तो आगे कंटिन्यू करूँगा मैं ऐसे फेस कैम से। तो आज की जो वीडियो है वो पाइथन पर ही है। अभी हम पिछला वाला जो था वो फाइल हैंडलिंग पर था, अब हम इनहेरिटेंस पे देखेंगे। पाइथन में इनहेरिटेंस किस तरीके से आप कर सकते हो कोडिंग इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस में सिंपल वर्ड में बोलूँ तो दो क्लास है समझ लो। सो एक क्लास में हमें दूसरे से कांटेक्ट करवाना है, यानी कि दो क्लास है ए और बी। तो हम ए में जो हमने एट्रीब्यूट्स या फिर जो भी हमने फंक्शन वगैरह डिक्लेयर किए हैं, अगर हमें वही बी में भी एक्सेस करवाने, तो हमें बी में अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम बी में वही ए के एक्सेस कर सकते हैं। सी क्लास बनाए तो सी के डायरेक्टली हम ए से भी एक्सेस कर सकते हैं। बी ए बी सी रिलेशन बनाते हम तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो उसी के बारे में ये वीडियो है खास। तो देखते हैं हम डायरेक्टली कोड पे चलते, ऐसे थ्योरी में कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कोड करेंगे तो पता चल जाएगा। रैपर में न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने पाइथन के फोल्डर में, इनहेरिटेंस डॉट पी वाई नाम की, इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। तो यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस डॉट पी वाई नाम की फाइल बना ली। अब हमें क्या करवाना है, एक क्लास क्रिएट करवाना है। तो यहाँ पे मैं पहले एक क्लास पर्सन लेता हूँ। हम डायरेक्टली एग्जांपल पे जाएंगे तो समझ में आएगा आपको। हम सिंटैक्स वगैरह डायरेक्टली हम एग्जांपल में देख लेते हैं सिंटैक्स किस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया पर्सन नाम का। अब पर्सन में मेन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो हमें यहाँ पे लेने समझ लो। तो हम लेंगे यहाँ पे पहले डेफ इनिट मेथड रहती है हर क्लास के लिए अलग। तो यहाँ पे इनिट मेथड डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस बोलते हैं उसको, उसके अंदर हम लेंगे सेल्फ। सेल्फ यानी कि कॉन्टेक्स्ट उसका, कि उसी क्लास का वही कॉन्टेक्स्ट होता है, वो डिफाइन करता है कि ये किस क्लास का है वगैरह वो डिफाइन करता है। तो वो सेल्फ लिया हमने, उसके बाद हमें लगता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किसी भी पर्सन का। तो यहाँ पे हम एफ नेम और एल नेम नाम का वेरिएबल लेंगे उस इनिट मेथड में, कोलन देंगे उसके अंदर आ गए हम। उसके बाद हम ये जो सेल्फ लिखा है हमने, सेल्फ में हमें दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसको बाद में दूसरे क्लास से एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट देता हूँ। उसके बाद हमें क्रिएट करवाना है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम क्रिएट किया उसका इक्वल टू दिया, और ये एफ नेम जो है वो हमें उसे असाइन करवाना है। एकदम सिंपल है, सेल्फ में हमने फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और ये कंस्ट्रक्टर में जो एफ नेम है ये हमने उसे असाइन कर दिया। वैसे ही हमें इसका भी करवाना है, सेल्फ डॉट एल नेम सॉरी लास्ट नेम, सेम भी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको सेल्फ डॉट देना है, उसके बाद आप कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। सेम नेम रहेगा तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना होने के बाद हमने दोनों भी अटैच कर दिए, एफ नेम और एल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने लिया डिफ प्रिंट नेम, इसमें हम सिर्फ सेल्फ पास करेंगे क्योंकि हमने ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेल्फ में रखा है, तो सेल्फ से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नीचे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट मेथड लेता हूँ, डिफाइन ऑलरेडी रहती है वो, इसमें हम लेंगे सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कॉमा देखिए सेल्फ डॉट लास्ट नेम, इतना दिया हमने। अभी हम नीचे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, समझ लो एक्स नाम का क्रिएट किया इक्वल टू, ये क्लास का नाम हमें यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पर्सन, और अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि हमें इसमें दो जो पैरामीटर्स है वो पास करवाने हैं एट्रीब्यूट्स, तभी वो रन होगा। और सेल्फ जो है वो पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले से उसका रहता ही पहले से, तो हम उसे डायरेक्टली इनिशियलाइज मतलब इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वो पहले से आता है उसमें। तो हमें सिर्फ दो डालने होते हैं, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मेरा नाम डाल लेता हूँ यहाँ पे गौरव जीवी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इतना मैंने डाल लिया। अब मैं अगर ये हमें एक्सेस करवानी है प्रिंट नेम, तो किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो ये जो पर्सन क्लास में है वो, तो पर्सन हमने डाला है एक्स में, तो एक्स के बाद हम मेथड एक्सेस करने के लिए डॉट प्रेस करते हैं डॉट ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिंट नेम, ये हम ऐसे डाल देंगे और रन करेंगे प्रोग्राम को। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो पर्सन टेक्स नो पैरामीटर्स, ऐसा क्यों भाई, हाँ यहाँ पे डबल अंडरस्कोर रहता है वो रह गया था,
सिंगल ही आ गया था। तो अभी हम रन करेंगे वापस, तो यहाँ पे अभी सक्सेसफुली जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे आप आगे पीछे कोई भी आपको कॉन्कैटिनेशन करना है यानी कि मर्ज करना है किसी भी स्ट्रिंग के साथ आपको नेम शो करवाना है तो वो भी कर सकते हो। अभी ये तो सिंपल हो गया, क्लास से आप किस तरह से कर। अभी हमें इनहेरिटेंस के बारे में जानना है तो उसी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे नया क्लास लेता हूँ एक स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट में भी सेम वही दो एंटिटी मेन रहती है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम यहाँ पे अलग से उसको क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम पास डाल देंगे। अभी पास डाल दिया तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट में, तो अभी हमें इस पर्सन के जो एफ नेम और एल नेम है वो हमें यहाँ पर एक्सेस करवाने। तो इसके बाद हम ओपन क्लोज ब्रैकेट्स लेंगे जिसमें हम पर्सन पास कर देंगे, पर्सन पास कर देंगे यहाँ पे। और नीचे ये जो पर्सन है इसको हम स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट डाल देता हूँ मैं और रन करता हूँ, तो सेम आउटपुट हमें जो पहले मिला था वही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इसको डिराइव कर रहा है यानी कि इससे सभी जो है वो मेथड्स अपने कब्जे में ले रहा है। और पास दिया यानी कि यही सभी इसी इसके जो भी मेथड्स वगैरह वही रहने देने हैं, कोई अलग डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसको एक अलग सा इनिट मेथड क्रिएट करता हूँ जिसमें सेल्फ एफ नेम एल नेम और मार्क्स इतना मैंने समझ लो डाल दिया। इसमें हमें अब सुपर मेथड भी जाननी है, सुपर फंक्शन मेथड जो भी है वो किस तरह से एक्सेस होती। तो यहाँ पे आपको सुपर टाइप करना है, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स डॉट, उसके बाद इनिट मेथड आपको लेनी है। और उस इनिट में अब आप इसको एक्सेस कर रहे हो तो इसके इनिट में क्या क्या लगता है एफ नेम और एल नेम, तो आपको यहाँ पे उसमें डालना होता है वो। तो यहाँ पे मैं देता हूँ एफ नेम और एल नेम, यही एफ नेम एल नेम यहाँ पर डालेंगे। अभी यहाँ पे इनिट में हमने मार्क्स भी ऐड किया है क्योंकि हम अभी स्टूडेंट से मार्क्स भी उसमें ऐड करेंगे, तो मार्क्स इसमें लगेंगे नहीं क्योंकि इस इनिट में हमें सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही चाहिए। हम अगर मार्क्स भी इसमें डालेंगे इसमें तो एरर शो करेगा कि इसमें तो दो ही आपने दिए और यहाँ पे तीन है, तो ना इंसाफी हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमने डालने ही है वहाँ पे। अभी हम आगे चलते हैं। जिस तरीके से हमने सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें एफ नेम डाला, उसी तरीके से सेल्फ डॉट मार्क्स नाम का वेरिएबल करके हम मार्क्स को उसको असाइन कर देते। अभी ये मार्क्स हमें यूज करवाना है इससे सेल्फ डॉट मार्क्स क्रिएट करने में। अभी इतना हो गया, अभी हम इसको भी एक मेथड क्रिएट करते हैं प्रिंट विथ मार्क्स। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके साथ साथ मार्क्स भी प्रिंट करेंगे हम इस मेथड के थ्रू। तो इसमें भी हम सेल्फ पास करेंगे क्योंकि वो सेल्फ से हम एक्सेस करेंगे तीनों जो एट्रीब्यूट से वो। तो यहाँ पर लेंगे हम प्रिंट मेथड जो पहले से ही रहती है, इसमें प्रिंट में हम अभी लेंगे सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद कॉमा देखिए सेल्फ डॉट लास्ट नेम और उसके बाद सेल्फ डॉट मार्क्स। और अभी हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, प्रिंट नेम की जगह हम प्रिंट विथ मार्क्स इतना डाल देंगे। और अभी हम रन करें तो यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क्स भी डाले इसके इनिट में, तो हमें इसमें मार्क्स भी एंटर करने होंगे। तो यहाँ पे समझ लो मैंने इतने मार्क्स डाल दिए, वापस से रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट में हमें मार्क्स भी ऐड होते हुए दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर के जो मेथड से वो भी एक्सेस कर सकते हो, ऊपर के जो एट्रीब्यूट से वो भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये सुपर मेथड की यूज की वो बताना रह गया। सुपर से हमने क्या किया, इसके जो भी हमने जो हमारा जो पेरेंट क्लास है स्टूडेंट का उसके सभी जो एट्रीब्यूट से वो हम इससे एक्सेस कर सकते हैं सुपर मेथड से। तो इसके लिए हमने सुपर मेथड यूज़ किया। अगर हम सुपर नहीं यूज करेंगे तो हमें वापस से एफ नेम और एल नेम क्रिएट करना पड़ेगा सेल्फ में, जैसे हमने ऊपर किया यही हमें वापस से डालना पड़ेगा। इसके बजाय हम डायरेक्टली सुपर से उन दोनों को यहाँ पे ले सकते हैं, आसानी से पास कर सकते हैं उसको। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनहेरिटेंस क्या होता है। ये सभी जो ओओपीज वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे सी प्लस प्लस वगैरह हुआ तो उसमें ये काम में आता ही है, जावा में आता है, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। ये मुझे इतना बताना आसान नहीं क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे चलता हूँ,
तो जब मैं कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाऊंगा छोटे मोटे, तो उसमें आपको बताऊंगा एकदम सेपरेटली किस तरीके से इन रिटर्न्स होता है। तो आप, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वापस से देख लीजिए, नहीं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स जो भी मैंने बताया थ्योरी में जो बताया, या फिर ये जो कोड है ये आपको चाहिए तो नीचे गूगल ड्राइव की लिंक भी मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स की। सभी पुराने वाले जो भी ट्यूटोरियल्स है आने वाले और ये सभी आपको उसी फोल्डर में मिल जाएंगे। वो फोल्डर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में, और आज मैंने थोड़ी और मेहनत बढ़ाई, क्योंकि मैं हर बार सिर्फ वॉइस ओवर करता था, आज फेस कैम भी कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और स्टोरेज भी लगता है फ़ोन में। तो आप कर देंगे आशा करता हूँ। मैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नहीं किया और नहीं हो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।